हाय फ्रेंड्स, आज मैं ये रेसिपी बनाने वाली हूँ बची हुई रोटियों से। तो हम सबसे पहले इन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसको एक ब्लेंडर जार में डालेंगे और हम इसका एक फाइन थिन पाउडर बना लेंगे। हमें मेक श्योर करना है कि पाउडर बिल्कुल अच्छे से सब पिसा हुआ हो और इसमें कोई लम्स ना हो। उसके बाद जब ये पाउडर तैयार हो जाएगा तो हम एक पैन लेंगे और उस पैन में हम 1 कप घी डालेंगे। घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम ये पाउडर मिक्स करेंगे। धीरे धीरे हम इसको पाउडर को घी के अंदर एब्जॉर्ब कराएंगे और इसको चलाते रहेंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि हमेशा फ्लेम लो रहे, नहीं तो ये नीचे से चिपकेगा। तो और इसको हमेशा आपको चलाते रहना है। जब ये थोड़ा सा पूरा एब्जॉर्ब होने लग जाएगा तब हम इसमें 1 कप ड्राई फ्रूट्स पाउडर डालेंगे। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले से रोस्ट कर रखे थे और उनको मैंने पाउडर बना रखा था और उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसमें 2 कप्स ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाले हैं। अगर आपको 1 कप डालना है तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं। बस जस्ट मेक श्योर करते रहें कि ये चिपके नहीं और आप इसको कंटिन्यूस चलाते रहें। जब ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने लग जाए तब हम इसमें 1 कप श्रेडेड कोकोनट डालेंगे। कोकोनट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये भी आप ज़रूर इसके अंदर डालें, कोकोनट को मिक्स करते रहें। और कोकोनट हमेशा वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ज़रूर कोकोनट को इसके अंदर मिक्स करके डालें। फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून कार्डमम पाउडर डाला है। कार्डमम पाउडर को भी आप धीरे धीरे मिक्स करते रहें, हमेशा पूरे टाइम चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे चिपकेगा। और जैसे इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन और जब आपको इसके अंदर से अच्छी सी स्मेल आनी लग जाए तो आप इसको थोड़ा सा और फ्लेम को लो करके थोड़ा सा इसको और धीरे धीरे करके चलाते रहें। उसके बाद अब मैं इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर से इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्रंची नेस्ट और एक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें मावा पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं 1/2 कप जैगरी पाउडर डाल लूँ जस्ट टू ऐड स्वीटनेस। अगर आपके पास जैगरी नहीं है तो आप इसमें वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स करते रहिए, धीरे धीरे पूरे टाइम इसको मिक्स करते रहिए। उसके बाद मैं 1 TSP इसमें जिंजर पाउडर डाल रही हूँ। जिंजर पाउडर इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, तो इसीलिए ताकि ये मैं बच्चों को भी दे सकूँ और ताकि ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर भी एज ए यूज़ हो सके। अब इसको ड्राई फ्रूट्स के ऊपर डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के अब इसको पूरे 1 महीने तक अपने उसमें बॉक्स में रख सकते हैं और खा सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, मुझे लगा आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। थैंक यू।